हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर पर्सुल पैशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, बट ये ध्यान रखें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी रिस्क और उसका प्रॉफिट सिर्फ आपका ही होगा, मेरा उसमें कुछ भी हिस्सेदारी नहीं होगी। तो आप अपना रिस्क अपना एनालिसिस लगा कर ही आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भैया स्टॉक मार्केट होता क्या है। सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का जो मिथ है वो अपन यहाँ पे सबसे पहले कवर करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक सट्टा बाजार है। ऐसा नहीं है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो ठीक है, तो जहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब क्या होता है कि अब मैं समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट इज़ अ बिजनेस, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे धंधे करे जा रहे हैं। अब अगर स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेशन मार्केट होता जहाँ पे मैं 1 लाख लगा के 1 करोड़ बना लेता तो टाटा बिरला अंबानी अडानी सारे धंधे ही बंद कर देते। दे विल स्टार्ट डूइंग ओनली स्टॉक मार्केट, और जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते, इतना उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ पे वो इतने इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर रहे हैं उन सबकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो स्टॉक मार्केट क्या है उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि मैं दो जनरली क्या होता है दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो लोग जो जॉब करते हैं और एक वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ऐसा जनरली माना जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग 3 लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर मतलब सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट के अंदर मैंने कहीं सुना था कि देर इज़ अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, और जो लाइन मेरे को बहुत हिट करी थी तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ कि जो बिजनेसमैन होता है वो तो वो होता है जो दूसरों से काम करवा रहा होता है और खुद गाइड कर रहा होता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जहाँ पे जो मालिक है वो खुद बैठा होता है और खुद ही कर रहा होता है वर्क और किसी और से नहीं करवा रहा होता है। जनरली क्या होता है बनिया कम्युनिटी के अंदर ऐसा होता है कि वी विल स्टार्ट डूइंग द बिजनेस बाय एस्टेब्लिशिंग आर ओन फर्म, कि हमारी खुद की फर्म है, हम खुद ही वर्क कर रहे हैं और कमा रहे हैं। तो दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस। बिजनेस वो होता है जहाँ पे अंबानी है अडानी है जिन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़े करे हैं, जहाँ पे कोई दूसरे वर्क कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग द मनी आउट ऑफ इट और जस्ट बाय गिविंग द गाइडेंस और जस्ट बाय मेकिंग द पॉलिसीज ऑफ इट। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो अपन यहाँ पे 3 लोगों को कवर करने वाले हैं, एक तो एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को और तीसरा जो व्यक्ति है वो है जॉब करने वाले। अब ये ध्यान रखें कि जब भी कोई पर्सन किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप समझे कि किस तरीके से, अगर आप मान लो कि आप किसी तरीके का रिटेल बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब में हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, तो आप एक ही चीज़ का बिजनेस कर रहे हो। जैसे अगर आप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर अगर आप मान लो कि कोई चीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर आपने कोई किराने की दुकान खोल रखी है, तो यू विल बी डूइंग एक ही तरीके का बिजनेस आप कर पाओगे, आप मल्टीपल बिजनेसेस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज नहीं, आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के अंदर जाकर के इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी से क्या होगा, आपको उस कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है। अब हिस्सेदारी जब मिल गई तो आप उस कंपनी के अल्टीमेटली क्या बन जाते हो, मालिक बन जाते हो एक तरीके से। भले ही आपका शेयर ऑफ परसेंटेज बहुत कम होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अल्टीमेटली हो तो क्या, मालिक ही हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बेट ले सकते हो। बेट इन द सेंस क्या है, सट्टा नहीं है। इन द सेंस मेरे को लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो कि भविष्य में जाकर के इन द पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स वो मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है, वो ग्रो कर सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी, तो मैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उस कंपनी से अपना रिटर्न ले लूँगा। दिस इज़ वॉट द स्टॉक मार्केट इज। सो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस बेसिकली। अगर आप समझें कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ईवी सेक्टर बढ़ने वाला है, या फिर मुझे लगता है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर बढ़ने वाला है, मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर बढ़ने वाला है, या फिर मुझे लग रहा है कि कोई भी अदर सेक्टर जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो बढ़ने वाला है या ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं उस बिजनेस को खुद खड़ा नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, एक तो मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है, ऑलरेडी जो लोग एक्सपर्ट हैं वो उस बिजनेस को कर रहे हैं, तो बाय मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन दैट बिजनेस आई कैन अर्न फ्रॉम दैट बिजनेस। सो आप ये समझें कि स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे आप बिजनेस से रिटर्न कमा रहे होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करूंगा और 1 करोड़ बना लूंगा, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शंस विल बी देयर बट ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस जो होता है, जब आप कोई बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं तो आप भी कैसे ग्रो करोगे, 15% CAGR से ग्रो करोगे, 10% 12% धीरे धीरे करते हो आप ग्रो करते हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रो करते हो। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है।
कि आपने इन्वेस्ट किया, आपने 2 साल 5 साल 10 साल रखा किसी कंपनी के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कंपनी इतने पीरियड तक ग्रो करने वाली है तो आपको उस पर्टिकुलर पीरियड तक इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो बाय सेलिंग योर शेयर्स। तो स्टॉक मार्केट का मिथ क्लियर करें, और स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है कि आपके पास गाइडेंस है कि हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर ग्रो करने वाला है, तो आप उस पर्टिकुलर बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बल्कि ये एफ एंडो ना करें, एफ एंडो के अंदर जनरली ये माना जाता है कि 10 में से 9 लोग तो लॉस ही करते हैं और एक जना जो होता है वही प्रॉफिट बुक करता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एफ एंडो यू कैन गो फॉर द इक्विटी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।